लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शहीद होने वाली खातून सहाफी सदफ नईम के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आला की तरफ से सदफ नईम के अहले खाना के लिए पहले 25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया था, जो बाद में बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सीनियर सहाफी मरहूमा सदफ की फैमिली को 25 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मरहूमा सदफ की फैमिली की मुकम्मल देखभाल करेगी। हादसे में सदफ के जान भाग होने का वाकया इंतहाई दिल खराश है, आलमनाक वाकया पर हर दिल दुखी है। बाद अज़ां उनके साहबजादे मौनिस इलाही ने एक ट्वीट में बताया कि इमरान खान की हदायत पर अमदादी रकम 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। ख्याल रहे कि इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सदफ नईम के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए की अमदाद का ऐलान किया था।